दुर्ग के पटेल चौक पर हिंदू युवा मंच ने बीएसपी का पुतला फूंका। मंदिर तोड़े जाने को लेकर बीएसपी के अधिकारियों पर आक्रोश जताते हुए ज्ञापन भी सौंपा। दुर्ग के पटेल चौक पर हिंदू युवा मंच ने भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और बीएसपी अधिकारियों का पुतला दहन कर मंदिर तोड़े जाने को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। पुतला दहन के पश्चात रैली निकालकर हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और दुर्ग एसडीएम को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मंदिर तोड़े जाने के दोषी बीएसपी अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस मौके पर हिंदू युवा मंच के अरुण सिंह ने कहा कि बीएसपी अधिकारी केवल हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीएसपी प्रशासन के द्वारा लगातार अवैध अतिक्रमण पे कार्रवाई की जा रही, बहुत अच्छी चीज है, होना भी चाहिए, पर उसका मनोबल इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए कि आपको सही चीज़ का सपोर्ट करे तो आप गलत करने चले जाए। सेक्टर 8 में मंदिर को उन्होंने तोड़ दिया, उसका वीडियो पूरा वायरल हो रहा है, हिंदू पूरे आक्रोशित हैं। इस तरह से किसी जाति विशेष का भेदभाव करके उस पर अतिक्रमण के नाम पे अत्याचार करना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि ऐसे व्यक्ति पर FIR दर्ज की जाए और उसका पुतला हमने दहन किया और हमें जानकारी मिली है कि उस पर FIR दर्ज कर ली गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।